हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। आज कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन बेसिक लेवल के। आइए चलते हैं टॉप 10 एमसीक्यूज की तरफ। आइए देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है। आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सूची है, बी आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम है, सी पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आइए चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं मेरा दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पिता किसको माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हरमन हॉलरेथ, बी वेल्स पास्कल, सी चार्ल्स बेबेज, डी जोसेफ जैकवर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर ए हरमन हॉलरेथ, बी वेल्स पास्कल, सी वॉन न्यूमन और डी चार्ल्स बेबेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉन न्यूमन। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, सॉरी सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1948, बी 1960, सी 1965, डी 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1940। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा ऊपर हो गया सॉरी। पांचवा, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है या भाग कहलाता है? बात एक ही है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। आइए देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन, पीसी क्या है, पीसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए व्यवसायिक घटक, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी निजी घटक, डी निजी कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत कंप्यूटर। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? ऑप्शन देख लेते हैं। इनपुटिंग, बी आउटपुटिंग, सी अंडरस्टैंडिंग, डी कंट्रोलिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग। आइए चलते हैं आठवें की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है, मतलब कौन सा कंप्यूटर का गुण है? ऑप्शन देख लो। ए तीव्रता, बी त्रुटि रहित कार्य, सी गोपनीयता और डी उपयुक्त सभी। ये सारे गुण कंप्यूटर में होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया शायद, मिस्टेक हो गई कुछ, चलो सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लो। ए 22 जनवरी, बी 1 दिसंबर, सी 1 जनवरी, डी 2 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन देख लो। ए भारत, बी जापान,
सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि कंप्यूटर की बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में ही हैं। इसी के साथ ये वो वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।